खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के निवास पर भाजपा पार्षदों और नगरपालिका सीएमओ के साथ कांग्रेस के नगर परिषद द्वारा सौतेला व्यवहार करने की शिकायत दर्ज की गई। भाजपा पार्षदों के वार्ड में काम नहीं किए जाने पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा नगरपालिका सीएमओ कुशाल सिंह रोडवे को बगैर भेदभाव के कार्य करने के निर्देश दिए। नगरपालिका परिषद कांग्रेस की होने के लंबे समय के भाजपा पार्षदों के वार्डों में लोगों काम नहीं हो रहे, वहीं लोगों की बात पर सांसद द्वारा सीएमओ कुशल सिंह रोडवे पार्षदों के साथ अपने निवास में आयोजित बैठक में भाजपा पार्षदों के वार्डों में बगैर भेदभाव कार्य करने के निर्देश दिए और वहीं बताया कि नगरपालिका परिषद कांग्रेस के होने से और कई कार्यों में अनियमितता सामने आने के बाद सूक्ष्म जांच कराई जा रही है, वहीं दोषियों पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जाएगी। वहीं जब से नगरपालिका परिषद कांग्रेस की बनी है तब से ही विरोध का दौर जारी है, कभी भाजपा पार्षदों तो कभी कांग्रेस के पार्षदों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जुलवाने से रवि महाजन की रिपोर्ट। आज बड़वानी शहर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग आए हैं और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और उन पार्षदों को चुनने वाली जनता की ये डिमांड थी कि उनके गली और मोहल्लों में कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। इसके पूर्व भी हमने पार्षदों के साथ नगरपालिका के सीएमओ और नगरपालिका की परिषद के साथ उनमें बैठक भी करी थी और विभिन्न कामों को लेकर समीक्षा करके उसके काम करने के निर्देश भी दिए थे, परंतु लंबे समय बाद भी नगर परिषद कांग्रेस की होने के बाद भी हमारे कई भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आज हम वापस पुनः इकट्ठे हुए हैं और मैंने नगर पालिका के सीएमओ को वापस निर्देशित किया है कि जनता के काम को करना है, अगर न्याय नहीं मिला तो जिस प्रकार से विगत इस कांग्रेस की परिषद जो अनियमितताएँ कर रही है इसकी सूक्ष्म जाँच भी हो चुकी है और निश्चित तौर पर सूक्ष्म जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और उसका परिणाम उस अधिकारियों को और उस बैठे हुए जनप्रतिनिधि को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।